गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है गाइस, वो बहुत ही टेस्टी होने वाला है। अब टेस्टी का मतलब ये है कि कुछ पकने वाला है और वो बनाने वाले हैं मेरे हस्बैंड। आज वो मेरे लिए कुक करने वाले हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कुछ बना के खिलाएंगे संडे को। तो आज वो फाइनली वो दिन आ गया है और वो मेरे लिए कुछ बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं ये खुद उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे, और उन्हें कुक करते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उन्हें खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क है और काफ़ी वो परेशान हो जाते हैं कुकिंग के मामले में। तो देखते हैं उनकी क्या हालत हो रही है और कैसे वो कुक कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड शुरू हो गए हैं एक बहुत बड़े मिशन के लिए। ये इनके लिए किसी मिशन से कम है भी नहीं, क्योंकि ये इन्हें कुक करना नहीं आता है बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं कि हालत, इन्होंने ये जो प्याज है ये चॉप किया है और इनकी कैसी हालत हो गई है, आंसू आ गए। इधर देखो, ओ क्या हो गया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, मतलब आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बेकार काम। कैसा जा रहा है आपका काम? सबसे घटिया काम है प्याज काटना। हाँ वो तो है सभी के लिए बहुत ज्यादा। तो बताइए, अब आप बताइए कि क्या बनाने वाले हैं मेरे लिए? बेवकूफ नहीं, बेवकूफ क्या बनाने वाले हो? रोल बना रहा हूँ मैं आज, आप सबको बना के दिखाता हूँ रोल। मैं कोशिश करूंगा अच्छा रोल बनाने की। अभी इससे पहले YouTube पे देख रहे थे, रेसिपी देख रहे थे, और रेसिपी देख लिया मैंने, इन्होंने देख लिया है और अब ये ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं इनसे कैसा बनता है। पहले ना इसके लिए पहले प्याज काटते हैं और बहुत सारी सब्जियां होंगी, लेकिन पहले प्याज को निपटाता हूँ, उसके फिर सब्जियां काटूंगा वो भी दिखाऊंगा आपको। देखो कैसा बनाता हूँ मैं, अच्छा बनाता हूँ गंदा बनाता हूँ, लेकिन बना के दिखाऊंगा आज जरूर। कोई बात नहीं, आपकी मेहनत तो हमें दिख ही रही है, आपकी हालत कैसी हो गई है कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत सारा काम है। तो आप अपनी जो एनर्जी है वो बचा के रखिए, ठीक है? हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो चलिए आप अपना कंटिन्यू रखिए। ओके ओके, अब मैं आपको आप इनका नेक्स्ट स्टेप। सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं और थोड़ी बहुत मदद इनकी मैंने भी करवाई है, क्योंकि इन्हें तो ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, तो थोड़ा बहुत इन्हें मैंने भी गाइड किया है। तो अभी हमारी ये देखिए सारी सब्जियां कट गई हैं। ये है तो ये बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च, ओनियन और ये कैरेट। तो गाइस अब चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने ये मैदा गूंद लिया है, हमने नहीं मतलब शीतू ने लिया है गूंद। इसे ऐसे मारना पड़ता है ना? हाँ इसे ऐसे मारना पड़ता है, मैंने ऐसे ही देखा था, वैसे पत पत करके मार रहा था, क्या ऐसे होता है। अब इतना बहुत है, बहुत है, बहुत है, अब इतना ज़्यादा उसमें जोर मत दो। इसे 10 मिनट तक ना हम इसे ना वो कर देंगे, क्या कहते हैं, एयर टाइट कर देंगे, ठीक है, किसी कपड़े से या किसी रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो कैसा लगा आटा ये मैदा गूंद के? अच्छा है, चलो कोई हार्ड काम नहीं। तो आ गए हैं हमारे मास्टर शेफ किचन में। यहाँ इन्होंने ये नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है और इस पे इन्होंने तेल भी डाल दिया है। तेल अभी गरम हो रहा है, इसे फुल आंच तो करो। फुल आंच होगी, उसके बाद ये बनेगा अच्छे से। कितने नर्वस हो रहे हो, कैसे इनका चेहरा देखो कैसा, और ये इतने परेशान हो रहे थे अभी, कह रहे पता नहीं कैसा बनेगा, पर कोई बात नहीं, इतने प्यार से ट्राई कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये डाल रहे हैं इसमें प्याज। जैसा मैंने देखा है, सीखा मैंने, पहले हम इसे भून लेंगे, बहुत प्यारा बनाता हूँ मैं। चलिए इसे थोड़ा देर ब्राउन होने देते हैं। तो ये थोड़ा लाइट ब्राउन हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए था ये उतने ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च, डाल दो, क्योंकि इसकी जो क्रंचीनेस है ना वो जानी नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम नेक्स्ट, हमने गाजर डाल दिया, उसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे, फिर इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। डाल दो इसको भी, और इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं छोड़ेंगे इनकी वो चले जाएगी, ये वो पानी छोड़ेंगे ना ज़्यादा। और इसमें थोड़ा नमक डाल दो, जिससे जल्दी थोड़ा कुक हो जाएगा ना, नमक डाल के। डालो नमक। तो इसमें डाले जा रहे हैं मसाले, आधा चम्मच ये नमक डाल दिया हमने इसमें। और बंद गोभी मतलब? बंद गोभी भी डालेंगे, हाँ अभी डालना, पहले वो अजीनोमोटो डाल दो। और ये हमने इसका थोड़ा अजीनोमोटो डाल दिया है, ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। हाँ इतना बहुत है, और ये अच्छे से इन्होंने मिक्स कर दिया है। अब बंद गोभी भी डाल दो, एक साथ कुक हो जाएगा। अच्छा
तो आप देख सकते हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने की, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर इनकी मेहनत सफल होगी। तो ये इन्होंने डाल दिया इस पर बंद गोभी, और अब ये इसको हिला रहे हैं। पकड़ लो ना साइड से, हाँ अच्छे से मिक्स कर लो। हे मास्टर शेफ, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ रोज बनाना चाहोगे? नहीं नहीं बहुत अच्छा होता है, क्या पूछ कर जाता हूँ क्या और आगे क्या फायदा होगा। तो गाइस अभी मसाले डालने का टाइम आ गया है। हाँ डालो 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 मसाला डालो। इतना मत बताना। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कितना डालूं। अरे तुमने कुक करना है ना तो तुम समझ नहीं आ यार प्लीज बता इतना अब देखना प्लीज बता मत कर इतना मत। हाँ डालो और डालो और डालो इतना मत। हाँ डालो और डालो अब ये डालो बाकी के मसाले डालो। गाइस आप देख लो मुझसे कह रहे हैं कि मैं कुक करूंगा सब कुछ तो मुझे से पूछ रहे हैं। हाँ डालो तभी तो कलर आएगा ना। हाँ हल्का सा और डालो तो डाल। नहीं मिर्ची डाली थी। हाँ डाल दी। तो अभी इन्होंने डाल दिया है थोड़ा सा विनेगर सिरका। हाँ विनेगर डाल दिया है टेस्ट के लिए। ओके तो ये बन गया। ये बहुत ही टेस्टी और मैंने बनाया ये मतलब अच्छा मार्केट में नहीं मिलता है। अच्छा यार कैसे स्टाइल मार रहे हैं देख लो इन्हें ऐसे करके। अरे बाप रे ऐसे कुछ मत करो प्लीज सामान मत फेंक देना वहाँ पे। नहीं नहीं आता है मुझे बता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है देखने में ही लग रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रंची तो होता है खाने में। रोल आप सबने खाया होगा तो उसके अंदर थोड़ा क्रंची होता है ना जो भी और जो उसकी स्टफिंग होती है तो इसलिए हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया सब्जी की तरह। हम जैसे रोल के अंदर जैसे डाला जाता है बिल्कुल वैसे ही हमने इसको उतना कुक कर लिया है इसको साइड में रख दिया है। और चलते हैं हम आगे की जो हमने वो रेसिपी रखा हुआ था ना इसको एयर टाइट करके हमने ढक के रखा था तो अब हमने इसे देखो कर लिया है अच्छे से सेट हो गया है। सेट हो गया है अब इसकी छोटी छोटी लुई लुई कहते ना अब इसकी लुई बनाएंगे और फिर लेकर चलते हैं इनको बेलने की ओर। ठीक है चलिए तो गाइस अब हम अपने पहले से पतला सा बेल लिया एकदम जैसे रोल का बनता है। अरे मम्मी ये क्या हो गया। तो इस पर हल्का हल्का ऑयलिंग लगाएंगे जी। हाँ इसको जैसे पराठा बनता है वैसे ही थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्का सा। तो चलिए हम जल्दी से पकाना होता है करते हैं अपने रोटीज तैयार। जो पराठा सा बनाया है हमने रोल के लिए इसकी फिलिंग कर रहे हैं। मेहनती लड़का। इसमें ग्रीन चिली डाल दिया है और रेड केचप डाल दिया है जिससे कि ये थोड़ा यम्मी टेस्ट होगा। और अब इसको रोल कर रहे हैं और ये हमारा तो के लिए फर्स्ट क्लास रोल है। ये हमारा वेज रोल रेडी। अरे वाह कर दिखाया ना तुमने। थैंक यू वेरी गुड थैंक यू। और ये सेकंड रोल तैयार कर रहे हैं। इन्होंने इसमें स्टफिंग कर दी है और चिली सॉस एंड केचप डाल दिया है और इसको रोल कर दिया। और देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इन्होंने इसको पैक कर दिया है पूरा मार्केट स्टाइल में। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ तो गाइस स्टार्ट करते हैं देखते हैं इन्होंने कैसा बनाया है। चलिए देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा लगता है इन्हें। पहले इन्हें खाने देता हूँ। बाहर वाला है अच्छा यार तो थोड़ा मैं फिर चेक ले रहा हूँ। मजा आ रहा है एकदम बाहर जैसा है। कैसा लगा? तो गाइस लगता है मैं सफल हुआ। सफल हो गए वेरी गुड। मैं अगली बार और खाना चाहूंगी। चलो ठीक है और रोल के पैसे भी बता दिए जाएंगे इन्हें बहुत जल्द। अगली बार करोगे तू? नहीं आफत आ गई इनकी तो कुकिंग नहीं करनी चाहिए गाइस। इतने भी हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई मेरी। मैं तो ऐसा हो गया हूँ क्या बताऊँ रम समय के। मैं चलिए गाइस मैं भी खाता हूँ रोल का मजा लेता हूँ। ये बहुत देर से खा जा रही है। ठीक है
पहले खाते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो हमारा पराठा तैयार है और अब बन रहा है एग रोल। तो देखते हैं ये एग रोल कैसे बनाते हैं। बहुत ही इन्होंने तेल डाल दिया इस पे और अब ये अंडा इन्होंने डाल दिया इस पे फेंट के। इसे ऐसे इस पे रखा। इन्होंने इस पे पराठा डाल दिया है और अब इसे ये पलटेंगे। वाओ, ये देखिए अपने एग रोल पे स्टफिंग कर रहे हैं। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत ही। अब गाइस जैसा भी है हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। आई होप आपको थोड़ा ठीक लग रहा होगा, अजीब भी लग रहा होगा क्योंकि हम उतना परफेक्टली नहीं कर पा रहे जैसे स्ट्रीट फूड वाले करते हैं रोड साइड, बट हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल बेस्ट दे रहे हैं। और बेस्ट सबसे ज़्यादा तारीफ की बात तो मेरे हस्बैंड के लिए है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें करते हैं नहीं, आज कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। गुड, मुझे लगता है तुम्हें करना चाहिए। हाँ, है ना, बार बार बनाना चाहिए तुम्हें कुछ ना कुछ। वाओ, इनका एग रोल तैयार, कैसा बना है? ये काफी टेस्टी है। अच्छा, ओके। इस वक्त मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ, उसे बहुत पसंद है। हाँ, मम्मी का फेवरेट है एग रोल, मैं उसे जरूर खिलाऊंगा। तो गाइस, अब लास्ट वाला रोल बचा हुआ है हमारा और इसकी स्टफिंग करेंगी मिसेस दत्त। तो गाइस देखिए किस तरीके से अच्छे से लगाया जा रहा है। जैसे पनीर मैं इनके लिए लेकर आया था खाने के लिए, इन्होंने कहा नहीं इसमें डाल के अच्छे से और अच्छा लगेगा। सारे डाल दीजिए, सारे डाल दीजिए। इनकी तो सॉस लगाई जाएगी, पता नहीं क्या पसंद है ऐसा सॉस, थोड़ा कम तो में लगाया करो सॉस, अजीब सा लगता है मुझे सॉस। नहीं, ये बहुत टेस्टी होता है चिली। चिली और फिर रेड वाली भी डाल दी। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बेहतर। ना ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाल दिया, इतना मैं खाता ही नहीं। अब देखते हैं इनसे हो जाता है पैक ये। बिल्कुल होगा। ओके, हो गया। खैर मैंने सिखा दिया, मेरे को देख देख के सीख गए। ये पैक करना बड़ा झमेले वाला काम है। चलिए ये तो हो गया पैक। हमने खाना खा लिया है और अब हम बेड पे आ गए, बिस्तर पे आ गए, अब करते हैं। और ये काफी थक चुके हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया आज। बहुत बड़े से भी ज्यादा किया, ठीक है इन्होंने। गाइस आपको पता होगा जैसे कि मैंने कितना मतलब अच्छे से मैंने बनाया इनके लिए और इनको मैंने एग रोल और जो भी रोल है बना के खिलाए, एग रोल, पनीर रोल और वेज रोल, तीन रोल बनाए, तीन तरह की वैरायटी बनाई इन्होंने। बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत मजा आया और सीरियसली मजा आया। मैं सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूं, दोबारा खाने का तरीका है ये। नहीं, मैं सच में बोल रही हूँ, इन्होंने बहुत टेस्टी बनाया। जैसे हम बाहर खाते हैं ना, स्ट्रीट फूड खाते हैं बाहर, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था और मुझे तो बहुत मजा आया। और नेक्स्ट टाइम इन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा, मैं तो बाहर जाकर खिला दूंगा, बनाऊंगा नहीं, कभी घर पे मत बनाना गाइस। हाँ, होता है झमेले तो बहुत होते हैं क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम अगर आप लोग ट्राई करोगे तो होगा ही, क्योंकि अफरा तफरी सी हो जाती है कि सामान वगैरह। और वैसे भी थोड़ी घबरा रही थी लेकिन ये, मैं घबरा रही थी, मैंने इनकी इतनी हेल्प करी क्योंकि ये इन्हें आता तो है नहीं कुछ, तो इतनी सारी मेरे से हेल्प ले रही, ये भी कर देना वो भी कर दे। मैं कहा भाई सरप्राइज तुम मुझे दे रहे हो, तुम करो। अब खाली जा खेलो, खेलो पीहेलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी हेल्प कर दी, उसमें क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया अपना और मजा आया मुझे तो। चलो गाइस अब करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलेंगे आपको फिर दोबारा किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो लेकिन एक बात और, इन्होंने वादा बहुत देर में पूरा किया, इन्होंने मुझे बहुत पहले ही वादा किया था कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा और शादी से पहले भी इन्होंने वादे किए थे कि मैं तुम्हारे लिए कुक किया करूंगा, लेकिन ये कुछ नहीं करते, इन्होंने झूठे वादे करे। अरे कुक, आज तेल निकल गया मेरा कुक करने में, भयंकर खराब हो गई कुकिंग, कुकिंग बेकार है, मत करना कोई भी। तो चलते हैं, चलो वीडियो करते हैं एंड, ठीक है? तो बाय कर दो सबको।
ओके गाइस, तो अब इस व्लॉग का हम एंड करते हैं। बहुत थक गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा काम करा है आज इन्होंने स्पेशली तो अब इसका एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।